कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्म योग कर कृष्ण भावना भावित कृष्ण कर्म लभ्यन्ते ब्रह्मा निर्वाण मृषण क्षीण कल मक्ष मशणाम चित्र देव यतामान सर्वभूत हिते रताम। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत्य से परे हैं, जिनके मन आत्म संस्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत जाएगा जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अंत समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग सक पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। ये वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है वह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तविक में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्यों द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विषमति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। काम क्रोध विमुक्ताना यतिना यत चेत साम अभितो ब्रह्म निर्वाणे वर्ते विध्यातम नाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। यत्पाद पड़क जपलाश विला सभ्यक्ता कर्माश ग्रथित मृदु ग्रथ यति संत तद्र्यंत रिक्त मत्यो यतयोते बिरुद्र सत्रो
तो गगननासत मरणा वज वासुदेव। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो, बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को इतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वह जो काम कर्मों के की तीव्र इच्छा को समूल इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी घटनाओं को वश में आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधि सब रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्शो मत सब कुर विहड गमा स्वान्यात पत यानी पुष्यति तथा हम पी बड़े अज। मछली कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। ये पहाज पंडज मैं भी इसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत राम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्णा भावना द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। इसे उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। स्पर्श कृत बहबरा हना श्रीदु कृषवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्या नास भयंतरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनि मोक्षणो प्रायण विगत शाभग क्रोधो ये सदा मुक्त एव सब। समस्त इंद्र विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य लक्षण बताता है वे योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वे अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य कृष्ण भावना अमृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करके योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति
को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग आठ विधियों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहरण धारण धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित हैं। छठे अभ्यास में योग के विषय में विस्तृत व्यवस्था की गई है। पांचवें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भौहों के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र कर केंद्रित करना पड़ता है। आँखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आँखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। ब्रह्म इंद्र विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्णा भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी किंतु कृष्णा भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यंतर प्रवृत्ति होने का भय नहीं रह जाता। अष्टायोग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। भूतांतर बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। भूतांतर यज्ञत प्रसाद सर्वलोक महेश्वरम रुद्र सर्वभूतानाद ज्ञातवा मां शांति मुरशति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्षित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में भगवान को तमीश्रावसा परम महेश्वर कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना जानते हैं लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सप्तत्तर भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अवगत हैं। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में दृष्टि या व्यष्टि या समृष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्णा भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा जीवात्मा रहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह पांचवा अध्याय कृष्णा भावनामृत की जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं
व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्णा भावनामृत के में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्णा भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्णा भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर का साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का साक्षात्कार दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही इसके कष्टों का मूल्य कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कार्य करना पड़ता है, किंतु कृष्णा भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ही में ले जा आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का प्रयास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुण्य प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रकट है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए भक्ति व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिसे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है और जो कोई उपयुक्त कामेक्षाओं को वश में करके कृष्णा भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्णा भावना भावित भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्षण की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य की को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।